जिले के बहादुरपुर प्रखंड के मेघना बैदा पंचायत में बाढ़ ने जोरदार दस्तक दे दी है। लगातार हो रही बरसात से त्रस्त लोगों पर अब बाढ़ कहर बनकर टूटी है। पानी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गंगिया ग्राम में ढलाई सड़क टूट कर बिखर गया है। यातायात संपर्क पूरी तरह से भंग हो चुका है। पंचायत के मुखिया बलुआ राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद कलाम ने बताया कि बढ़ते पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित दलित और महादलित हो रहे हैं। 50 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, लेकिन प्रशासन ने अब तक यहां किसी की सूद लेने नहीं पहुंची है। डूबिया का नहीं ना डूब गया क्या स्थिति है पानी का? बहुत बुरा हाल है। कैसे आप लोग जी रहे हैं? बहुत कठिन से। सरकार से क्या मांग करें बोलो। कठिन मांग में सरकार से सरकार तरफ से घर द्वार नहीं है, पन्नी उन्नी सब नहीं, कुछ नहीं है। पानी से बात सब घर बाढ़ का क्या स्थिति है सर? देखे छे घर गिर गेले हन, ऑनला लोक मरे है, रहते कतो रोडो पर रहे लायक नहीं है, तो हम सब रहबे कतो कतो ऊंचा स्थान तक के हम आ के जबे। सरकार से क्या मांग करते हैं? राहत मांगे छे, पाई मांगे छे, घर गिर गेले पन्नी देते। जी हमारे पंचायत बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मेघना बैदा पंचायत है, जहाँ की बहुत ही विकराल स्थिति है। अब इस तरफ देखिए कि पानी जो है से दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और नए एरिया में, और इस पानी के जाने से हमारे पंचायत में अब आज कुछ ही देर में बहुत सारे दलित और महादलित लोग हैं, जो 50 से ऊपर महादलित के घर में पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन अभी तक सोई हुई है, सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, और अभी आर्यो सड़क का जो ये सड़क है इसको बाढ़ ने तोड़ दिया है, लेकिन अभी तक आर्यो विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग का कोई भी पदाधिकारी नहीं यहाँ आए हैं। और यहाँ 80% आबादी दलित महादलित और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्गों की है। हम लोग बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए हैं। कई लोगों के घर में भी पानी जो है घुस चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री से कि अविलंब दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में मेघना बैदा पंचायत में सरकारी महकमे को भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।